Hey guys, good evening and welcome to my new vlog. So, आज मैं फिर से तैयार हूँ क्योंकि मुझे रील्स सुनानी थी और तो बहुत सारे ऐसे बोलेंगे कि जब तुम रील्स के लिए तैयार होते हो तो नॉर्मल वीडियोस के लिए क्यों नहीं तैयार होते, क्योंकि नॉर्मल वीडियो मुझे रोज़ बनानी पड़ती है और रील्स के लिए तैयार होते होते मतलब 1.5 घंटा तो खुद ही लग जाता है। मतलब वैसे करती मैं कुछ नहीं हूँ 1.5 घंटे में, लेकिन फिर भी मुझे 1.5 घंटा लग जाता है क्योंकि मुझे आदत नहीं है तैयार होने की। तो इसलिए अब रोज़ रोज़ तो ये हो जाता है कि रोज़ नॉर्मल काम हो जाता है कि अब पूरे दिन भर कौन तैयार होके घूमता रहेगा गर्मी में। तो अभी रील्स का तो ऐसा है कि 1-2 घंटे रील्स बनाओ और उसके बाद बस 6 दिन की छुट्टी हो जाती है। तो इसीलिए बाकी वैसे मुझे तैयार होना पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभी अच्छा लगता है, मतलब हाँ लगता है न्यू लुक। तो आज मैंने निकाली दिया ताम झाम उससे बैग से, मैंने कहा चलो बना देते हैं 1-2 रील्स, कब से बनाई नहीं है। फिर चाची के यहाँ चले जाऊँगी, फिर वहाँ टाइम मिलना नहीं है, तो मैंने सोचा अभी रख के तो फिर धीरे धीरे पोस्ट करती रहूँगी। बाकी वीडियोस का तो क्या है, वीडियोस तो रोज़ बन जाती है, लेकिन रील्स के लिए बहुत ताम झाम होता है। और वीडियोस के लिए तो बस कैमरा उठाओ और बना दो, रील्स के लिए तो फिर तैयार हो या नॉर्मल भी बना देते, फिर नॉर्मल वीडियोस में और रील्स में थोड़ा अलग हो जाता है ना रील्स, क्योंकि कभी कभी वैसे ही बनती है। तो इसलिए तो आप बताना मुझे कैसी लगी, मतलब मैं कैसी लग रही हूँ। आज का सीन यह है कि अभी मेरे हस्बैंड गए हुए हैं, कहाँ गए हुए हैं, आज मैं शाम को वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि अभी दिन भर में मैं काम घूम करके और फिर मैंने कहा क्या करूँ तैयार होकर मैंने रील्स बनाई, बहुत सही 5-6 रील्स बनाई मैंने। और फिर मैंने कहा चलो अभी यहीं से वीडियो स्टार्ट कर देते, वरना बोलते हैं कि वीडियो में तो तैयार नहीं होते। तो मैंने सोचा मैं तैयार हो रखी हूँ तो मैं वीडियो भी बना लेती हूँ साथ में, है ना। बाकी मैं अभी पंखा बंद कर दिया क्योंकि पंखे की साउंड बहुत आ रही होगी मेरी साउंड से ज़्यादा। ये देखो ये स्टार्ट भी होगी मेरी वो बोलने लगे बस बहुत है, इतनी बस की नहीं है, अब नहीं हो पाएगा कि हमसे अब खोल लेगी बाल। ये देखना जूड़ा ही खुल गया मेरा भयंकर, बड़ी मुश्किल से तो बांधा था, वैसे ढीला ही बांधा था क्योंकि अकेला अपने आप बनता नहीं है ना जूड़ा, इसलिए क्या करूँ। मैंने सोचा आज वीडियो क्या बनाऊँ, क्योंकि पता क्या हुआ, कल इनकी नाइट थी और फिर बहुत तेज वाली बारिश हो रही थी, तो मैं निकाल देती हूँ 1 सेकेंड क्योंकि बोलते बोलते चस चस लग रहा है यहाँ पे। हाँ तो हुआ ये था कि फिर ये मतलब इनकी नाइट थी और फिर रात को इतनी तेज़ बारिश आ रही थी कि फिर इनकी मॉर्निंग भी थी, तो फिर आना और जाना इतनी बारिश में, तो फिर हमने डिसाइड किया कि वो वहीं रहेंगे रात को। और सुबह नाश्ते का फिर ये सीन था कि मैंने बुआ को फ़ोन कर दिया था, बुआ तो वहाँ लेके जा रही थी नाश्ता चाची लोगों के पास हॉस्पिटल, तो मतलब नाश्ता नहीं मतलब खाना ही लेके जा रही थी, क्योंकि नाश्ता तो अंकु ने बना दिया था क्योंकि आज छुट्टी थी, तो मामा लोग आराम से उठे फिर तब खाना लेके गए। तो मैंने बुआ को बोला कि थोड़ा खाना, क्योंकि उसी रास्ते में पड़ता है उनका स्टोर, तो फिर मैंने कहा बुआ को कि उनके लिए भी खाना भिजवा देगी, तो बुआ ने कहा ठीक है, तो खाना तो वहाँ भिजवा दिया था। वो आएंगे अभी 4:30 हो रही है, वो आएँगे 6-7 बजे तक घर पे। अभी ये है कि अभी मैं बैठे बैठे क्या करूँ अकेले के लिए, तो मैंने सोचा आपको एक स्टोरी बताती हूँ। बीच में आदत जब मैंने कमेंट पढ़े तो आदत छूट गई थी मेरी हाथ मुंह पे हाथ लगाने के लिए, लेकिन फिर 1-2 दिन देखे नहीं कमेंट तो फिर वैसी हालत हो गई। तो एक मैं अपनी लाइफ का एक बहुत ही एम्बैरेसिंग मोमेंट बताती हूँ, बहुत वो भी मेरे बर्थडे के दिन हुआ था, बहुत गंदा, इतना गंदा लगा था सुन के, इतना गंदा लगा था। तो पता क्या हुआ था, वो सब पिछली वीडियो में जब Q&A कर रहे थे शायद, तो उस टाइम भी मैंने एक मोमेंट बताया था कि हाँ बहुत घटिया मोमेंट था, तो पूछा था किसी ने कि क्या हुआ था, अरे कौन सा पार्क है वो। ये किस्सा है गांधी पार्क का, मतलब मैं गांधी पार्क के अंदर नहीं थी, उसके बाहर जो रोड लोग खड़े रहते हैं वहीं पर थी। तो हुआ ये था कि मेरा बर्थडे था, और मेरे बर्थडे था तो मैं यहीं थी देहरादून, क्योंकि जो बुआ के घर पे थी मैं, इनका मेरा रिलेशन था मतलब 6-7 महीने हो चुके थे हमारे रिलेशन को, उस दिन मेरा बर्थडे था। तो सुबह सुबह ये आए तो हमने घूमने का डिसाइड किया, मैंने घर में कहा शाम को पार्टी दे देंगे घर में, मामा थे बच्चे थे सब, तो फिर मामा गए थे स्कूल, तो फिर मैंने कहा आके जब शाम को सब घर पर रहेंगे तब पार्टी वार्टी होगी अच्छे से, पार्टी मतलब मीन्स केक वेक तो कटता नहीं है बर्थडे पर, बस वही क्या कहते हैं उसे चाउमीन मोमोज जो भी आता है वगैरह वो। फिर क्या हुआ था कि
फिर हम दो, मैं और ये, हम गए थे घूमने। मैंने कहा दिन में कहीं घूम घाम के फिर शाम को, तो हम घूमने गए थे। फिर जब हम वहाँ से आए तो मेरी एक फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड है, उसने फ़ोन करा था कि मिलना है के लिए करके, और पार्टी वार्टी करेंगे। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उससे बोला कि मैंने कहा ठीक है ये, क्योंकि इनको जाना था 4 बजे ड्यूटी, तो मैं 4 बजे तक ही टाइम था मेरे पास, तो ये 3 बजे, तो मैंने इनको फ़ोन, इस अपने फ्रेंड को फ़ोन करा कि भाई तू मुझे यहाँ पे मिल, गांधी पार्क में, गांधी पार्क के बाहर मिल मतलब। तो मैं वहीं पे खड़ी हो रही थी, तो इन्होंने कहा कि इनको हो रहा था लेट और उसको थोड़ा टाइम लग रहा था, तो मैंने इनको बोला कि, मैंने कहा आप जाओ ड्यूटी, आपको लेट हो रहा है तो मैं यहीं पे वेट करूँगी उसका। तो उसको काफ़ी टाइम लग गया था आते आते, पता नहीं कहाँ से आ रहा था, मतलब आ तो रूम से ही रहा था पर बहुत टाइम पता नहीं क्यों लगा दिया। तो तब तक क्या हुआ, मैं बाहर ऐसी खड़ी हो रही थी, ऐसी वेट कर रही थी, मैंने कहा आया नहीं आया नहीं ऐसे करके। तब तक एक अंकल, मतलब पापा की उम्र का, तो वो आया, बाइक स्कूटी थी उसके पास शायद, तो स्कूटी इतना इतना था नहीं, हाँ स्कूटी थी उसके पास। तो स्कूटी पहले एक चक्कर मार के गया पूरा जो गांधी पार्क का है पूरा, ठीक है, फिर वापस आया दोबारा, फिर उसने मुझसे ऐसा कुछ बोला ना, कसम से मेरी तो होश उड़ गए थे। मैंने कहा, पहले 1 मिनट तो मुझे सोच में, मुझे क्या बोल रहा है कुछ समझ नहीं आता था, कुछ समझ ही नहीं आता क्या बोल रहा है, मतलब पहले मुझे समझ नहीं आया एकदम से, बट जब मैंने ध्यान से वो करा तो मुझे समझ में आया कि बोल क्या रहा है अंकल ने। तो उसने मुझे यूँ बोला था, मतलब बाइक रोक के और स्कूटी रोक के मेरे सामने, फिर बोल रहा था चलेगी क्या बोल। मैंने कहा भाई, पहले मैं 1 मिनट चुप रही, फिर मेरे को जब समझ में आया तब तो मैं चिल्ला गई वहीं पे, बहुत सारे लोग थे, फिर मैंने बोला, मैंने कहा तमीज़ नहीं है क्या अंकल, अपनी उम्र देख रहे हो, कैसी बात कर रहे हो आप ये करके। फिर वो ना तुरंत निकल गया, उसके बाद भी उसने एक चक्कर लगाया और मेरी हालत ख़राब, क्योंकि मैंने कभी, मुझे पता ही नहीं था ऐसा क्या, मतलब ऐसे क्यों बोला उसने बिना बात के, जानना पहचान, मतलब ऐसे कैसे खुद ही अपने आप ही कैसे बोल दिया उसने मुझे ऐसा। और मैंने इनको कॉल लगाया, फिर ये गुस्सा करने लगे, जब मैंने बोला था कि मैं रुक जाता हूँ तो तुमने बोला कि नहीं नहीं जा लो करके, तो मैंने कहा मुझे क्या पता था ऐसा कुछ सीन होने वाला है या ऐसा कुछ भी होता है यहाँ पे। तो फिर मेरा फ्रेंड आया, मैंने उसे बताया, उस टाइम तो डर लग रहा था क्योंकि मैं अकेली थी ना, तो मैं इस वजह से डर रही थी। फिर जब मेरे दोस्त आया तो मैंने उसको बताया ऐसा ऐसा हुआ, फिर बाद में हम दोनों खूब हंसे। लेकिन जब जब तक मैं अकेली था तो मुझे बहुत डर लग रहा था, बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं अगर दोबारा आ गया तो क्या करेगा, बहुत सारी चीज़ें होती है एक लड़की के दिमाग में ना, बहुत सारी चीज़ें घूमती, तो वही मेरे साथ हो रहा था ऐसा। तो मैं जब तक ये नहीं आया, मैं तब तक इनसे ही बात कर रही थी, मैंने कहा तुम मेरे से बात करो जब तक ये नहीं आता। एक बार तो सोचा मैंने कहा घर चली जाती हूँ, फिर मैंने कहा यार चल छोड़ वो आने ही वाला होगा। फिर मैंने उसे फ़ोन करा, मैंने कहा भाई जल्दी आना, क्या कहाँ है कहाँ है, बोले आ गया बस, तब तक वो पहुँच ही गया। फिर मैंने उसे स्टोरी बताई, मैंने कहा ऐसा ऐसा हुआ। पहले तो वो भी बोलने लगे, अरे तू पागल है, तू यहाँ पे क्यों खड़ी हो रखी थी ऐसा ऐसा। मैंने कहा क्या दिक्कत है यहाँ पे खड़े होने में, फिर मुझे ऐसे पता चला कि ऐसा कुछ होता है, तो फिर मैंने कहा ओके ऐसा था, मुझे तो कभी पता ही नहीं चला या ना किसी ने बताया मुझे। तब जाके, तब से मैं कभी जाती नहीं उधर, तब लास्ट टाइम था कि मैं उधर गई थी, उसके बाद भाई बस मैंने एक ही दिन की छुट्टी हो गई, मैंने कहा अब नहीं भाई अब नहीं जाना करके। तो ऐसा ऐसा भी होता है, कैसे कैसे किस्से हो जाते हैं, और मेरे ही नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियों के साथ ही होते हैं, लड़कों के साथ भी ऐसे किस्से होते हैं। क्योंकि मेरे एक फ्रेंड है या जो भी, मतलब मैं मेरा जानने वाला है, तो उसने मेरे को एक किस्सा बताया था उसी के बाद, उस टाइम तक मुझे कुछ ऐसा पता नहीं था वहाँ के बाद, तो उसी के बाद उसने मेरे को एक किस्सा बताया था कि उसके साथ भी ऐसा हुआ था। तो मैं लाइक हैं तेरे साथ भी, तू तो लड़का है। तो हाँ तो अगर लड़का है तो अच्छा ऐसा भी होता है साल, मतलब ना लड़के सेफ ना लड़कियां सेफ, भयंकर पता नहीं क्या ही चल रहा है। और अभी तो ऐसा होता है ना, कभी कभी सोचती हूँ ना उस चीज़ के बारे में तो ऐसा डर सा लगता है कि भयंकर। अच्छा और रात नहीं थी, दिन हो रही थी, जबकि दिन दोपहर ही, मतलब दिन दोपहर ही बोलते हैं जैसे, दिन 2-3 साढ़े 3 बजे के बाद, और शाम होती तो भाई क्या ही होता भयंकर। अच्छा हुआ शाम नहीं थी, इसलिए तो कभी मेरे घर वाले, तो घर वाले किसी की भी जाने नहीं देते शाम रात को कि घर पर रहो चुपचाप। फिर मैं घर पे गई तो मैंने भाइयों को बताया ऐसा ऐसा बात हुई थी, तब बोला उसने कि अब से मत जाना उधर करके, भाइयों को कंसर्न हुई। बट बाकी चलो खैर हुआ होगा, आपके साथ भी कोई किस्सा हुआ होगा ऐसा बहुत ही गंदा घटिया सा, तो लड़कियों के साथ तो होता है, था बहुत बार होता है। अगर आपको ये कुछ स्टोरी पसंद, स्टोरी नहीं है मतलब रियलिटी है, बट फिर भी मतलब एज अ स्टोरी ले लो आप, तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके बाकी तो जिसने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो आप जाके फॉलो कर सकते हैं,
अब मैं भी बढ़िया बढ़िया रील्स बनाने लग रही हूँ थोड़ा बहुत, बट ज़्यादा भी एक्टिव नहीं रहती। बट हाँ ये है कि एक साथ बना के फिर धीरे धीरे करके डाल देती हूँ। तो मैंने काफ़ी टाइम से फ़ोटोज़ भी नहीं खींची, तो आज मैंने दो चार फ़ोटोज़ खींच लिया ऐसी। अब खुद से तो ऐसी ही फ़ोटो खींचेंगी दो चार। बाकी आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।